दादी को छोड़ के आने के बाद रास्ते भर में इतना रोई हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती कि कैसे कलेजे पत्थर रख के आई हूँ। क्योंकि माँ के जाने के बाद मेरी दूसरी माँ वही हैं, तो मैं कैसे बताऊँ कि मैं मेरे दिल पे क्या बीती है। हेलो, तो आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल प्रियंका गोलवा फेशियल में। और आज ही बहुत सेंसिटिव टॉपिक पे बात होने वाली है। और मैं पहले ही बता दूँ एक और बात कि वीडियोस मतलब हम दीदी ने बना लिया था, उसके बाद हमारे बीच थोड़ा बहुत बहस हो गया। बहस मतलब कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीज़ों को लेके हो जाता है कि ऐसे वो बोल दी, तुमने ये बोल दिया, तो फिर हमने दोबारा वीडियो स्टार्ट किया। तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे और बहुत सारी चीज़ें थी जो हम बताने वाले हैं आपसे। हाँ, जैसा कि मैं गांव गई थी, अपने गांव से होके आई, उसके बाद से भर भर के लोगों के इतने सारे कमेंट्स, भर की मतलब इतनी सारी क्वेरी थी आप लोगों की, जानना था, तो लगातार वो आ रहे हैं, प्रश्न आ रहे हैं, पूछे जा रहे हैं। तो वही मैंने वीडियो बनाया था कि जो आप लोगों ने पूछा था उसका आंसर दिया। तो प्रियंका बोले ये मत बोलो, ऐसे मत बोलो, लोगों को नहीं क्योंकि फिर समझ में नहीं आएगा जैसे तुम बोल रही हो, तो थोड़ा अच्छे से घर वालों को भी थोड़ा सा मतलब ये लग जाता है कि हम कुछ अलग बोल रहे हैं। हाँ, कुछ भी ऐसा बोल देते हैं तो फिर वहां से भी प्रेशर आने लगता है, वीडियो डिलीट कर दो, ये सारी चीजें। अरे मतलब वीडियो डिलीट करने का मतलब नहीं कि मतलब क्यों ऐसी चीजें, मतलब उनका ये कहने का मतलब है कि टोन थोड़ा सा मतलब कि जो भी बोल रहे अच्छे से बोलो, थोड़ा सा सोच समझ के। बहुत लोग बोल रहे थे कि आप दादी को छोड़ के क्यों चले आई, आपको वहीं पे रहना चाहिए। तो दादी से ज़्यादा क्लोज मतलब बचपन से ही दीदी रही है, तो दीदी बताएगी कि मतलब। तो मम्मी के जाने के बाद मैं और शांति दीदी ही दादी के साथ रहे हैं, और बचपन से लेके जब तक हम बड़े हुए, दादी ने ही हमको संभाला, हमारी केयर की, मतलब पूरा बचपन बड़े हुए तब तक अपनी दादी के साथ ही पले बड़े हैं हम। उन्होंने ही पाल पोस के बड़ा किया, सारी चीज़ें सिखाई। आज जो भी चीज़ें हमको आती हैं या नहीं आती हैं, जो भी जैसे भी संस्कार हैं हमारे अंदर, वो सब मेरी दादी का दिया हुआ ही है, मेरी आजी ने ही सिखाया हम सबको। ये तो खैर बुआ कह रही हैं, और आज वो बूढ़ी हो गई हैं तो हाँ, आज मेरी आजी बूढ़ी हो गई हैं, मतलब देख के ना ऐसे अंदर ही अंदर कलेजा फटता है, बहुत ही वैसे रोना आता है। लेकिन वो मेरे, मैं थोड़ी ऐसी हूँ कि मुझे जल्दी से आंसू नहीं आते हैं सारी चीज़ें, तो मैं बहुत स्ट्रांग बन जाती हूँ। फिर सोचती हूँ कि बुढ़ापा इतना किसी का कैसे कष्ट में हो सकता है। मेरी दादी बहुत स्ट्रांग लेडी थी, बहुत, वो किसी भी मतलब बुरे से बुरे परिस्थिति में भी कभी ये नहीं, मतलब डगमगाई नहीं, कभी टूटी नहीं। शायद ऐसी कोई लेडी में हमने देखी होगी, मतलब मैंने तो अभी तक नहीं देखा ऐसी ऐसी कोई महिला को, मैंने नहीं देखा जो इतनी परिस्थितियों से लड़ के सारी चीज़ों को इतने अच्छे से हैंडल करके, अपने बच्चों को पाल पोस के सब चीज़ें करके, और अभी उनकी ये हालत देखते हैं ना, तो सही बता रही हूँ, आत्मा रोता है अंदर से कि मेरी दादी बूढ़ी हो गई। मतलब कोई कितना भी केयर कर ले, कुछ भी कर ले, पर जो खुद का हाथ पैर होता है वो खुद का ही होता है। अभी वो ऐसा खिसक खिसक के वॉशरूम भी जाना होता है, वहीं बैठे बैठे करती हैं सारी चीज़ें, मतलब बहुत ही वो होता है। मैं तो मतलब कभी कहना नहीं चाहिए, पर ये दादी की अभी हालत देखी नहीं जाती। और ऐसा नहीं है कि हम उनको ये नहीं मतलब अपने रूम पे नहीं रखे हैं, कोशिश किया हमने पर 1 महीने उनको रखे थे हम यहाँ पे ले आके, पर वो रह नहीं पाई। बोल रही थी कि बहुत ही सफोकेशन हो रहा है, सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं दिख हो रही रहा है रूम में। हाँ, क्योंकि वो शुरू से ना खुले में रही हैं, आंगन में, खुले यहाँ आंगन पे रखना पॉसिबल है ही नहीं, और रेंट के रूम में, एक रूम में ऐसे नहीं रह पाएंगी वो, क्योंकि उनको आदत है शुरू से ऐसे रहने की, तो फिर उनको भेजना पड़ गया था। और हम 4-5 साल से मतलब उनको छोड़ के आए, ऐसा नहीं है कि बहुत शुरू से ही वो हमको 4-5 साल से वहाँ पे, क्योंकि जब हम यहाँ पे आ गए बनारस, जब मैं आ गई उसके बाद से वो अकेले रहने लगी, वरना उससे पहले मैं दादी के पास रहती थी, तो उनकी उतना उस टाइम उतना केयर करने की जरूरत नहीं थी। पिछले 1 साल से वो थोड़ा ज़्यादा वो हो चुकी है कि उनके हाथ पर काम नहीं कर रहे हैं, वरना उनको कभी सेवा की जरूरत नहीं पड़ी। और कभी भी वो ये नहीं कि मेरा हाथ पैर में मालिश करो, ये करो वो करो, कभी नहीं बोली ये चीज़ें, उनको ज़रूरत भी नहीं पड़ी थी। पर पिछले 1 सालों से उनकी हालत ना दिन पर दिन ऐसे शरीर उनका वो हो रहा है, बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो गया है, क्योंकि वो 90+ है, अभी 95 ईयर की शायद हो चुकी है। और हम चले आते हैं तो उनके यहाँ मतलब सेवा करने, सेवा क्या मतलब उनकी जो चीज़ें ख्याल रखने के लिए बहुत लोग हैं, जैसे कि बड़े पापा हैं और इस टाइम तो पापा भी हैं, है ना? जब हम लोग नहीं होते हैं अभी, मतलब पापा जब नहीं थे तब बड़े पापा लोग देखते थे उनको, लेकिन अभी तो मुझे इस बात की तसल्ली है कि मेरे पापा हैं वहाँ पे, तो उनका जो भी करना होता है दिन भर उनके पास ही बैठे रहते हैं, वहीं सोते भी हैं दादी के पास ही, तो उनके पास कोई बात करने के लिए भी है और केयर करने के लिए भी है। और हम जाते हैं तो मेरी दादी मतलब लगता है कि 10 साल जवान हो चुकी हैं, क्योंकि वो बहुत खुश हो जाती हैं। फिर उनको जो चीज़ें चाहिए होती हैं, जितना मैं उनके लिए कर पाती हूँ,
वो सारी चीज़ें मैं करती हूँ। खैर मैं माँ बाप का अपना कर्ज तो नहीं उतार सकती, मेरे दादी ने जो हमारे लिए किया है वो हम कभी 1% भी उसका नहीं पूरा कर सकते, लेकिन ट्राई करती हूँ कि मैं उनको खुश रख सकूँ, जितना मैं खुशी उनको दे सकती हूँ दूँ। तो अभी मैं वो आते टाइम ना रो रही थी, बोल रही थी तुम अब जा रही हो अब नहीं आऊँगी। मैंने कहा नहीं दादी मैं आऊँगी आपके पास और प्रियंका को ले कर आऊँगी। तो आपने वीडियो में भी देखा होगा ये बात वो बोल रही थी, तो मैं इसको लेके जाऊंगी जब भी बन पड़ेगा, मतलब जल्दी ही जाएंगे हम लोग 2-4 दिन और के ऐसा लिए। नहीं है कि हम वहाँ पे रह नहीं सकते, पर ऐसा है कि वहाँ पे व्यवस्था फिर बनानी पड़ेगी, सब कुछ करना सब कुछ पड़ेगा, मतलब यहाँ से ज़्यादा व्यवस्था करनी पड़ेगी, इसीलिए हम नहीं और हम रहते चाह हैं। के भी 4 दिन से ज़्यादा वहाँ पे रह नहीं सकते। अगर खुद का चीज़ें नहीं करें, मतलब कैसे सब समझाऊँ मैं, कुछ शब्दों में नहीं समझा सकती, वो चीज़ें बुरी लग जाएंगी और मेरे पापा गुस्सा भी करेंगे, ये सब बातें क्यों बोल रही हो। तो चाह दादी के के भी हम लिए बहुत, मतलब मैक्सिमम 3-4 दिन हम वहाँ रह सकते हैं, बस ये आप समझ जाओ। अब क्यों रह और सकते हैं, आप लोग सुना समझदार हैं, बहुत देख के मतलब मन ही मन इतना हम लोग रोते हैं कि उनको दादी के छोड़ के लिए आने पे कुछ भी आप नहीं लोग कर पा रहे इमेजिन भी नहीं हैं। कर सकते। हम उनको जब छोड़ के आते होंगे तो कैसा हमको लगता होगा वो मैं बता भी नहीं सकती हूँ। मतलब ऐसे कलेजे पे पत्थर जिसको बोलते हैं ना रखना, वो वाकई में वैसा होता है। उनको छोड़ के आना, बाय बोलना, फिर ये मन ही मन डर लग रहा होता है कि क्या बताए, अभी ये जो बाय बोल रहे हैं अगली बार आए तो दिखे भी ना हमारी दादी, ये सारी चीज़ें होती है। इसलिए मैं ना सारी उनके जो मोमेंट होते हैं वो कैप्चर करने की कोशिश करती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, फोटो खींच के रखती हूँ, वो भी बहुत खुश होती हैं। लेकिन अभी जिस हालत में है वो, मतलब जिस एज में है, जिस उम्र के पड़ाव पे हैं, कोई भरोसा नहीं है कब उनकी सांसें चल रही हैं, कब वो अगले पल हमारे बीच नहीं रहेंगी, ये सारी चीज़ें सोच के बड़ा वो लगता है। मतलब चाहे देखो अभी उनकी कितनी भी हालत ख़राब हो रखी है, उसको सपोर्टिव सब अपने बिस्तर पे कर रही हैं, तब भी हम ना मतलब चाह के भी ये नहीं होता है कि मेरी दादी अब नहीं रहे, बस यही मन में होता है नहीं मेरी आज ही रहे, मेरी आज ही रहें अभी और रहें। जबकि कोई एक लोग बोल रहे थे कि नहीं अब भगवान इनको लेके जाए यहाँ से, तो ये सुन के इतना वैसा फील हो गया, अरे ऐसे कैसे मेरी माँ के बारे में बोल रहे हैं वो लोग। मतलब जब से माँ का रूप में हमने देखा है तो अपनी आजी को ही, अपनी दादी को ही देखा है, तो अब भी चाह ये इतना उनका दुर्गति होते हुए देख के भी ये मन से नहीं निकलता है कि उनको कुछ हो जाए, ऐसा लगता है बस वो आंखों के सामने रहे हमारी। कितने दुख की बात है कि जब अपने ही माँ बाप बूढ़े होने लग जाते हैं तो देखा नहीं जाता है ना। तो मैं तो बुढ़ापे के नाम से मुझे बहुत 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 ज़्यादा डर लगता है, किसी चीज़ से डर लगता है तो वो बुढ़ापे से ही, क्योंकि दादी की तो केयर करने के लिए उनके बच्चे हैं, सब लोग हैं, पर हमारे लिए तो कोई नहीं है, ये चीज़ें सोच के बड़ा अजीब लगता है। तो अभी दादी को मैं छोड़ के आ गई हूँ, आप लोग को बता दूँ, और वहाँ पे सेवा पापा करने, हैं, हाँ सेवा है करने के पापा, लिए, सब कुछ करने के लिए पापा हैं, और कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी उनको तो हम लोग हैं अभी उनके लिए। तुरंत चले जाते हैं कुछ हाँ ही भाग घंटे के में। 1 घंटे 1.5 घंटे लगेंगे यहाँ से, भाग के चले जाएंगे वहाँ पे हम। तो मैं पापा को भी बोल के आई हूँ कि दादी के साथ साथ अपना भी केयर करिएगा, क्योंकि अभी आप ही दोनों हैं हमारे लाइफ में, तो अपना भी ख्याल रखिएगा। और पापा को जब भी मौका मिलेगा, जब भी उनका मन करेगा तो भाग के आएंगे हमारे पास। दादी भी हमारा सब कुछ हाँ, ढूंढ ढूंढ और मतलब दीदी आ बोल रही चुकी थी अपने है। पास रखने के लिए मतलब चीज़ें, पर वो पॉसिबल नहीं है। एक हाँ शादीशुदा लड़की जब अपने ससुराल में रहती है तो चाह के भी ससुराल में तो दादी को नहीं रख सकती, और बाकी दादी का इतना भी वो नहीं है, पापा लोग हैं तो वो देख लेंगे, चिंता करने की बात नहीं है। और थोड़ा सा हम लोग होते तो कोई बात ही अलग होती, पर चाह के भी हम वहाँ पे नहीं रह पाएंगे। आप लोगों को मैं नहीं बता सकती क्यों नहीं रह पाएंगे, पर नहीं रह पाएंगे, और यहाँ रख भी नहीं सकते, ये दुविधा है। तो भी और हम लोग जाएंगे दादी से मिलने थोड़े दिन में, और जाएंगे तो फिर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे अपनी दादी की क्यूट मोमेंट्स, सारी हाँ जब चीज़ें। हम वीडियोस बनाने स्टार्ट नहीं मेरी किए दादी थे खूब उससे खुश हो पहले खूब जाती है। जाते थे, एक हाँ पहले भी हम लोग बहुत जाते रहे हैं, और एक अब भी, महीने के लिए भी गए हैं, ऐसी बात नहीं। डेढ़ डेढ़ हाँ पूरा जब मेरी दादी लॉकडाउन, बीमार हो गई थी एक बार बहुत ज़्यादा, लॉकडाउन तब जब सेकंड जाके, वाला हाँ था तो वहीं जाके पे रुके उनकी थे। खूब अच्छे से हमने केयर की, फिर वो ठीक हो गई। उस टाइम तो बहुत हालत ख़राब थी, लगा ही नहीं था कि वो बचेंगी, पर भगवान की कृपा रही वो ठीक हो गई। अभी तो पापा हैं, और हाँ लोगों ने पूछा था होम टूर वाली वीडियो में कि आपका घर कितना गंदा है, कबाड़ ही कबाड़ है, जहाँ देखो गंदगी है, गोलू तुम साफ़ सफाई कर दो। तो मैं आपको बता दूँ, जहाँ पे जिस रूम में मैं रहती हूँ और आगे आंगन वगैरह जो भी बरामदे वगैरह सब मैं साफ़ करके आई हूँ, जितना हो सका मेरे से बन पड़ा, और मैं सारी साफ़ सफाई करके आई हूँ। और लेकिन मेरे यहाँ 7-8 कमरे हैं टोटल, उसमें सब लोग रहते नहीं हैं, 2-3 लोग ही रहने वाले हैं, तो उन सारे कमरों की साफ़ सफाई करना ये बस की बात नहीं है, क्योंकि उसमें ना बहुत सारी लकड़ी कबाड़ ये सब चीज़ें रखी हुई हैं। गांव का जिनका घर होगा उनको पता है कि चीज़ें ऐसे इधर उधर रखी जाती हैं, और मतलब जिनके घर में लोग नहीं रहते उनको पता होगा हाँ। कि तो गंदगी हो साफ़ सफाई जाती है। 4 दिन रहना, उसमें दादी की केयर करना और साफ़ सफाई सब रूम का करना ये संभव नहीं है। हाँ जितना रहने लायक है, जितनी चीज़ें मैं कर सकती थी उतना मैंने किया,
और वो कबाड़ वगैरह सब गांव में ऐसे पड़े रहते हैं, स्टोर रूम बना के लोग रख देते हैं, तो इसलिए। और नहीं, अगर वहां पे प्रॉपर रहना होता तो तो सा, धीरे पूरा धीरे धीरे साफ धीरे करके चीजें करते रखते। हैं। हाँ, और आंगन जो है तो अब वो घास वाले आंगन में कोई क्या ही कर सकता है, उसमें बस ऐसे ही सब्जियां फूल फल उग रहे हैं, तो ऐसे ही छोड़ा हुआ है। पापा हैं तो वो दिन में खुरपी लेके और साफ सफाई हाँ करते पापा रहते है हैं। तो अब ना जैसे बाहर वाला जो आंगन है वो साफ हो हाँ, जाएगा। लेकिन ना हाँ मैंने पापा को डांट के आई हूँ मैं, क्योंकि एक दिन वो फावड़ा लेके खोद रहे थे, सारा घास निकाल रहे थे, उनको तो डॉक्टर उनको ने ना मना ऐसे किया सांस है। उनका वो उल्टा वो होने लग गया। तो मैंने उनको बोला कि आपको डॉक्टर ने जब मना किया हुआ है फिर आप ये सब चीज़ें क्यों कर रहे हैं, तो कह रहा है बेटा हो जाएगा। लेकिन ना मेरे पापा बहुत केयरलेस हैं, अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखते, और इस चक्कर में उनका पूरा वो हो गया। तो मैंने मना किया हुआ है कि अपना भी ख्याल रखिए, दादी का भी ख्याल रखिए। तो आई होप कि मैं आप लोग के सारे सवालों के जवाब दे पाई हूँ, और भी कुछ रह गया होगा तो आप लोग बताइएगा, मैं उसका भी रिप्लाई ज़रूर करूँगी, बताऊँगी सारी चीज़ें। और घर के लिए भी लोग पूछ रहे थे कि आपका घर अपना है या फिर किसी और का है, फिलहाल तो अभी अपना ही कह सकते हैं, आगे का कुछ नहीं पता, पर ठीक है। इतना ही था बताने के लिए कि किसी कोई भी बच्चे का मन नहीं करता होगा अपने माँ के माँ से दूर रहने का। मुझे शौक नहीं लगाया, मेरे लिए दादी बिल्कुल भारी नहीं है, बोझ नहीं है हमारे लिए, लेकिन ना चाहते हुए भी उनके पास हम नहीं रह सकते जाके, तो अभी जाएंगे तो फिर मिलेंगे। आई होप कि आप सभी के सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करिए, सम्मान करिए, मिलजुल के रहिए, यही बोल सकते हैं। बाय।